नमस्कार किसान साथियों, बात करेंगे पूरे प्रदेश के मौसम के बारे में। आज नए साल है, नए साल की ढेरों सारी शुभकामना आप और पूरे परिवार को, एसटीएम मारवाड़ी सभी दर्शकों को, यानी हमारी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपके लिए। नए साल नया खुशियां भर रहे। अब बात करेंगे पूरे प्रदेश के मौसम के बारे में। आज 1 जनवरी के दौरान पूरे प्रदेश का मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि नए साल के साथ राजस्थान के लोगों के लिए बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि मौसम को लेकर भी बड़ी खबर है। आज भी प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त मौसम बदलेगा, यानी बारिश के रूप में स्वागत देखने को मिलेगा। कुछ कुछ जगहों के लिए आसमान में बादल छा सकते हैं, तो हालांकि कुछ एरियों पर हल्का मौसम बदलाव भी रह सकता है। वहीं आज की बात करें तो कई इलाकों पर जबरदस्त धुंध छाई हुई है, यानी कोहरे की गतिविधियां जबरदस्त देखी जा सकती है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, अलवर, खरतल, डींग समेत इन एरियों में जबरदस्त आज कोहरे की गतिविधियां दर्ज होगी। इसी के अलावा उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, नागौर समेत वहीं कोटा, बारन, बूंदी, झालावाड़ में भी कोहरे की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। प्रदेश के कई इलाकों पर जबरदस्त मौसम बदलाव की गतिविधियां देखी जा सकती है। आप भी इस वीडियो के मॉडल के जरिए देख सकते हो किन किन जगहों पर जबरदस्त कोहरे की गतिविधियां हैं। मौसम विभाग ने भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन जगहों के लिए रेड अलर्ट कोहरे का कर रखा है। वहीं राजस्थान के लिए ऑरेंज, तो उत्तर पश्चिमी राजस्थान के जिलों के लिए रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। अब शीतलहर की चपेट में राजस्थान आ चुका है, फसलों के लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित होगी। शीतलहर की वजह से किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों के लिए राजस्थान में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया। अब दिन में भी तेज सर्द हवा चलने की संभावना है। आगामी 4-5 दिनों की बात करें तो आगामी 4-5 दिन तक पूरे प्रदेश का मौसम काफ़ी ख़राब रहेगा, यानी बादलों के साथ कुछ कुछ जगहों के लिए बरसात को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है। चले 5 से 6 जनवरी के बीच राजस्थान में एक नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है, जिस वजह से राजस्थान के जिलों पर मौसम बदलेगा और बारिश की गतिविधियां राजस्थान के इलाकों पर देखी जा सकती है। यानी जनवरी के माह में राजस्थान में एक नया वेदर सिस्टम तैयार हो रहा है। 6 से 7 जनवरी के बीच उदयपुर, अजमेर समेत कोटा संभाग में बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती है। वहीं जयपुर, जोधपुर, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग में यानी 6 व 7 जनवरी के बीच बरसात की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वहीं 8 जनवरी की बात करें तो 8 जनवरी को एक नया पश्चिमी विस्टोप यानी स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा, जिस वजह से जैसलमेर, जोधपुर समेत बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, वहीं जोधपुर, ब्यावर, अजमेर, उदयपुर, जालौर, सिरोही, कोटा, बारन, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर, नागौर आसपास के जगहों पर जबरदस्त मौसम खराब रहने की संभावना है। राजस्थान में बरसात की गतिविधियां बढ़ने की संभावना। नए मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मौसम की जो लेटेस्ट जानकारी होगी आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।